आगरा में बसपा मंडल कोऑर्डिनेटर आजाद सिंह ने 20 नवंबर को हुई रैली में 1 करोड़ के खर्चे के ब्यौरे की मांग कही। वहीं आजाद सिंह ने कहा कि जब देश का हर एक नागरिक एक दिन में सिर्फ 2000 रुपये ही निकाल सकता है, तो मोदी जी रैली में जो खर्च कर रहे हैं उसका पैसा कहां से आ रहा है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी ने अपने नेताओं का पैसा पहले ही बदलवा दिया था। बैंकों में निर्देश हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपया या 4000 या मैक्सिमम एक हफ्ते में बाजार पर लेगा। अब ये करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आगरा की एक रैली में जब करोड़ रुपए खर्च हो रहा है तो 11 करोड़ रुपए की धनराशि कहाँ से आई। ऐसा लगता नहीं है, मुझे पूर्ण प्रतीत होता है, मुझे विश्वास है कि 8 तारीख को जब मोदी ने पुरानी करेंसी को बंद किया उससे पहले ही व्यवस्था इनके लोगों की हो गई, क्योंकि इतना पैसा आखिर आया कहाँ से। मोदी जी का लाए मोदी जी अगर चैनल को देखते हैं तो निश्चित रूप से अपने भाषण में कहें इस रैली का पैसा किन किन बैंकों से किन किन खातों से आया।